सोनी सब टीवी के शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इर्द गिर्द चल रही विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में इस सीरियल में रोशन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन टीम के लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर सीरियल में आत्माराम तुकाराम भिड़े का किरदार निभाने वाले एक्टर मंदार चांदवड़कर ने खुलकर बात की है। मंदार कहते हैं कि मैं असित मोदी को एक उत्तम प्रोड्यूसर मानता हूं। वे एक आदर्श फैमिली मैन हैं। उनके जैसे अच्छे प्रोड्यूसर नहीं मिल सकते। भगवान पर आस्था रखने वाले वो एक सीधे इंसान हैं, जिनकी वजह से ये शो इतने समय तक चला। अगर इस सेट पर सिर्फ मर्दों का वर्चस्व होता, मेल चेविनिस्ट एटीट्यूड होता, तो ये शो 15 साल तक नहीं चल पाता। आगे मंदार ने कहा कि मुझे आश्चर्य भी हो रहा है और इस बात का बड़ा दुख भी है कि इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं और इतने सालों का इंतजार करने के बाद ये क्यों कहा जा रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े का किरदार निभाने वाले मंदार चंदवड़कर आगे कहते हैं कि एक सीरियल में कई सालों तक काम करने वाले लोगों के विचार अलग हो सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से आपस में विवाद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के इल्जाम नहीं लगाए जा सकते। फिल्म जगत की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।